मंगलवार शाम को गुजरात के राजकोट में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग मैच में भले ही गुजरात लायंस को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस टीम के एक युवा खिलाड़ी ने अपनी छोटी मगर विस्फोटक पारी से अपनी काबिलियत लोगों के सामने दिखा दी। दरअसल 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 16 गेंदों में 39 रन बनाने वाले ईशान किशन पर बचपन से ही क्रिकेट का जुनून सवार था। वो भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनकी मां चाहती थी कि बेटे के सिर से क्रिकेट का भूत उतर जाए और वो पढ़ाई में मन लगाए। इसके लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। मीडिया से बातचीत में ईशान के पिता प्रणव पांडे ने उनसे जुड़ी कई रोचक बातें शेयर की। इसी जुनून के चलते उसे बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। वो पढ़ते वक्त टीचर की नजर से छुपकर कॉपी पर मैथ्स की जगह क्रिकेट की पिच का फोटो बना देते थे और फील्डिंग सजाते थे। बेटे की इस हरकत से मां सुचित्रा काफी परेशान रहती थी, इसीलिए वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।